अमरीका गए एक नौजवान की मौत हो गई है, जिस तो बाद परिवार का रो रो के बुरा हाल है। दसिया जा रहा है कि इस नौजवान की एक सड़क हादसे दे विच जान चली गई है। ये नौजवान अपनी कार च सवार होके घर तो काम लिए निकलिया सी, अते राह दे विच ही कार दरखत नाल टकरा गई अते पलट गई, जिस दौरान हादसे च इस नौजवान की मौत हो गई। जो पुत दे मौत की खबर घर पहुंची तो परिवार वालिया नूं एक वड्डा सदमा लग्या, उन्हां दे हंजू रुक नहीं रहे ने। इस नौजवान का नाम नितिन दसिया जा रहा है, जो कि करीब 1.5 साल पहला ही अमरीका गया सी, वर्क परमिट ते गया सी अते एक कंपनी दे विच बतौर मैनेजर काम कर रहा सी। रोजाना दी तरह जो नितिन अपने घर तो कंपनी जाने लिए निकलिया तो राह दे विच दो दोस्तों नूं लिया अते उन्हां नूं उन्हां दी थां ते छड्डिया भी, जिस तो बाद ये अपनी कंपनी वल जा रहा सी तो अगे एक दरखत दे नाल कार टकरा गई अते पलट गई। इस हादसे दे विच नितिन दी दर्दनाक मौत हो गई। नितिन दे पिता ने दस्या है कि उन्हां दा पुत पढ़ाई दे विच भी काफी होशियार सी। पढ़ाई पूरी करन तो बाद उसने एक कंपनी च जॉब कीती अते फिर उत्थों ही वर्क परमिट ते अमरीका चला गया, जिथों एक कंपनी दे विच मैनेजर दा काम कर रहा सी। नितिन दी एक भैन है जिसका विआह हो चुका है अते उसका एक होर छोटा भरा है जो हाले पढ़ रहा है। सब तो वड्डा इस घर दा बेटा नितिन ही सी जो अमरीका दे विच काम कर रहा सी। नितिन दे व्याह दे लई लड़की भी देखनी शुरू कर दित्ती सी, पर उस तो पहला ही यह मंदभागी खबर आ गई। परिवारिक मैंबरां दा रो रो के बुरा हाल है ते उन्हां दे वल्लों इक्को ही मांग कीती जा रही है कि उन्हां दे पुत दी मृतक देह नूं भारत लियांदा जाए। करनाल दे कोहड़ पिंड दे रहण वाले नितिन दी अमरीका दे विच सड़क हादसे दौरान दर्दनाक मौत हुई है। परिवार दा कहना है कि आखिरी बार वो अपने पुत दा मुंह देखना चाहते ने, इसलिए वो सरकार नूं गुहार लगा रहे ने कि उन्हां दे पुत दी मृतक देह नूं घर लियांदा जावे। उसने ना यहाँ पे प्लस वन ही से चला गया था, वो दिल्ली अपने मामा के पास ही रहता था। मामा के यहाँ ही उसने फिर जॉब मिल गई बाहर की, पहले तो इंडियन थी वो कंपनी, फिर वो आधी कोरिया को चली गई थी। उसमें एज ए मैनेजर पोस्ट पे आ गया था, वो इसका अकाउंट्स मैनेजर बना दिया था इसको। अब उनके डायरेक्टर की डेथ होने के बाद इसको डायरेक्टर बना रहे थे, लेकिन ये स्पॉन्सर्स पे वहाँ चला गया US। हाँ ठीक है, तो वहाँ जाने के बाद अब बिल्कुल लीगल हो गया था, ये लीगल हो चुका था। हाँ, तो डायरेक्टर बनने वाला था, यहाँ पर भी बता रहे हैं यहाँ डायरेक्टर बनने वाला था ये। उन्होंने बड़ी जिद करी है अभी बना दो, अभी अमेरिका में भी यही था, अब इसको प्रमोशन दे रहे थे वो, इसके सारे में आगे सारे डॉक्यूमेंट जो वहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं। नए साल पर प्रमोशन मिलने वाले? हाँ, नए साल पे डायरेक्टर की प्रमोशन मिलने वाले। लोगों को बताया होगा? हाँ बिल्कुल, बात होती थी मेरी इससे, काफी खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, इतनी खुशी का माहौल था घर में। और तो क्या, छोटे वाले लड़के की का रिश्ता भी ले रहे थे, भाई इसका हो नहीं रहा था तो छोटे वाले का ले रहे थे। बहुत खुश था वो, खुशियाँ मातम में करते, बहुत खुश था वो। ऐसा था सर, मतलब बच्चा जो है ना वहाँ पे कंपनी में जॉब करता था अमेरिका टेक्सास में, और वहाँ पे जो है ना सुबह तैयार होकर के अपनी कंपनी में ड्यूटी पे जा रहा था अपनी कार से, तो रास्ते में जो है कार अनबैलेंस होने के बाद जो है ना कि पेड़ से टकरा गई, और पेड़ से टकराने के बाद उसकी एट दी स्पॉट डेथ हो गई। ऑफिस जा रहे थे वो? हाँ, सुबह जो है ना लगभग 11 बजे के करीब तैयार होकर ऑफिस जा रहे थे। यहाँ से कब अमेरिका गए थे? लगभग 1 साल हो गया। तो कोई बात हुई है वहाँ पे एम्बेसी से कि कब तक वापस? नहीं, एम्बेसी से तभी हमारी तो बात नहीं हुई, लेकिन जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने वहाँ पे सारी हर तरह से अपना काम किया है और हमारी सहायता की है, तो उन्होंने ही हमारे से ये किया कि जी आपने कहीं किसी से कोई, हम हर तरह के काम करेंगे। एम्बेसी के अंदर भी जैसे वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे अगर संस्कार आप करना चाहते हो तो एम्बेसी से बात करके हम आपका यहाँ पे हमारी जिम्मेवारी है, हम वीजा लगवा देंगे सभी के जो पासपोर्ट हमारे बने हुए हैं, तो वहाँ पे अगर संस्कार यदि हमने करन, मतलब अभी मेरा परिवार बैठा है उनसे हम बात करेंगे, अगर वहाँ पे संस्कार करेंगे तो हम अपना वीज़ा लगवा लेंगे, वो बात हो चुकी है हमारी। अगर हम यहाँ पे संस्कार करने हैं तो जो है ना अभी बात करके हम फिर बॉडी को यहाँ मंगवाएंगे। ये बड़ा दुखद हादसा है हमारे मित्तल परिवार के लिए, एक तरह से एक वज्रघात इस परिवार पे हुआ है, और एक युवा बच्चा हमारा इंटेलिजेंट एक ऊर्जावान, और वहाँ पे वो एक कंपनी में एरिया मैनेजर्स की पोस्ट पे थे, तो सुबह वो टेक्सास से अपने दूसरे ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तो अचानक जैसा CCTV में नज़र आया, अचानक से कोई टायर ब्रस्ट हुआ है क्या हुआ है, सुबह 11:30 बजे के लगभग कार अनियंत्रित होकर के पेड़ से टकराई है,
और जिससे उस बच्चे की, हमारे भतीजे की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान इस दुख को सहने की इस परिवार को शक्ति दे, तभी सभी मिलने जुलने वाले लोग यहाँ आ रहे हैं। अनलक्कीली वहाँ छुट्टियों के कारण क्रिसमस ईव में छुट्टियाँ हैं, तो हमारा संपर्क उतना तो नहीं हो पा रहा है, परंतु कंपनी के जितने भी ऑनर्स एंड उसके एसोसिएट्स हैं वो कंप्लीट टच में हैं, और जो भी वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके बाकायदा परिवार के पास नंबर भी आ चुके हैं। तो यही प्रयास है किसी भी तरह हमारी संस्कृति के रीति रिवाजों अनुसार उस बच्चे का दाह संस्कार हो सके, उसके लिए डेड बॉडी यहाँ लेकर के आनी पड़े या अमेरिका में जाना पड़े, उसके हम रेगुलर प्रयास कर रहे हैं। प्रभु परमात्मा से यही प्रयास एक प्रार्थना करते हैं कि इस भारी भरकम दुख, इस वज्रघात को सहने के लिए परिवार को शक्ति प्रदान।